तो हम जस्ट ऐसे नाटक करते कि हम कुछ खरीद रहे हैं। यार मैं सुन लिया भाई ने, हमारी बेइज्जती हो गई। राधे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल निखार एंड सेम। आई एम निखार गाइस, कैसे हो आप सब गाइस। आज मैं और तरन, मतलब जैसे कहा था ना भैया कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, मैं तो गाइस मैं तरन के साथ ही घूमने जा रही थी। और अभी ना हम H&M आए हैं, मतलब मॉल ऑफ अमृतसर के मॉल में H&M के शोरूम में आके हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शांति थी। हम यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और हमने बहुत सारी फोटोज खींची, वीडियोज बनाई। तरन बाय द वे यू लुकिंग सो प्रीटी टुडे, थैंक यू। वैसे हम कुछ खरीदना कि हम जस्ट व्लॉग स्टार्ट करने आए थे, हम कुछ नहीं लेने आए, हम बस घूमने आए हैं, खाने पीने आए हैं और अपना व्लॉग स्टार्ट करने आए थे। और अब हम आए हैं तो कुछ देख ले, क्योंकि सभी हमारे वहाँ देखे जा रहे हैं कि कुछ खरीद नहीं रहे, ऐसे वेलिए मार रहे हैं, तो हम जस्ट ऐसे नाटक करते कि हम कुछ खरीद रहे हैं और कर कर के हम चल जाते हैं, ठीक है। क्या हुआ यार, मैं सुन लिया भाई ने, तो हंसे क्यों, कह रहे हो नाटक करते हो। सुन लिया यार, हमारी बेइज्जती हो गई। अब हम आ गए H&M से बाहर, वो देखो पीछे हमारे H&M है और हमें निकाला गया, हम बाहर नहीं आए, उन्होंने सुन लिया था। नहीं नहीं यार, हम खुद ही बाहर आए हैं, हम खुद आए। हम यहाँ पे लास्ट टाइम आपको पता होगा कि हम आए थे मम्मा के शूज लेने, मैं और तरन जी तो आते रहते हैं, है ना तरन। और तरन कहते मेरे को यहाँ का चप्पा चप्पा पता मॉल का, हमने जाना कहाँ पे है। वैसे ये अच्छा बनाया इन्होंने, कहते गेट इंडिया गेट है ना। अमृतसर में ऐसा ट्रिलियम मॉल भी है, लेकिन मॉल ऑफ अमृतसर ज्यादा अच्छा है ना तरन। क्या ट्रिलियम अच्छा है, मतलब ये है छोटा बट इसमें ज़्यादा चीजें अच्छी लगती है ना, तो ये बोल जाती है ना। नहीं तो नहीं आने कभी तक नहीं उतरी, तू मेरी आने के पीछे पड़ गई। अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट कुछ खाने, तूने का नहीं काम हुआ शूट करना होता है तुम्हें। तो तरन मेरे साथ तू ही है गाइस। जब मैं आ रही थी ना इसके साथ, सयम इतना मगर पड़ा कि मैंने जाना है। मैं क्या तू बैठ, जब तू अपने फैसले जाते तो मैं जाती हूँ तेरे साथ। और वो गया अकेडमी और मैं तरन के साथ। तरन कितनी देर का बोल रही थी, मैं क्या चल तमन्ना पूरी कर दूँ। मैं बोल रही थी ओ माय गॉड, इतना जो मैं नहीं बोल रही थी, तू बोल रही थी कि हम चले कुछ ही बोलो, चल चलनी पड़ती है अगर बेचारी इतना कह रही है तो। थैंक यू तरन, वेलकम। कुछ और चीज़ बोलना चाहोगे, थैंक यू। मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारा व्लॉग देख रहा है, हम खाने जा रहे हैं मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारा व्लॉग देख रहा है उसको व्लॉग को बहुत सारा प्यार दो और इसको बहुत सारी गालियाँ दो कमेंट बॉक्स में और मेरे को बहुत सारा प्यार दो। गाइस अब हम आए हैं चाइनीज वॉक पे कुछ खाने, वैसे बर्गर किंग भी था जिसके हमें गाइस हमारे ब्लॉग में देखा होगा, पिछले वाले नहीं, जब हम मॉल आए थे मम्मा के बर्थडे पे तब, और गाइस तब हमने बर्गर किंग खाया था। बट अभी हमारे बर्गर किंग खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, हमने कहा आज कुछ चाइनीज स्पाइसी सा कुछ खाते हैं क्योंकि ये इतना स्पाइसी नहीं खाती। चल यार देख क्या खा रहा है, और गाइस हमको मेन्यू उठा ला ही है। और गाइस तरन बोलते अपने बहुत शूट कर लिए व्लॉग, अब तुम कैमरा पकड़ा मेरे को और मैं क्या करती हूँ व्लॉग शूट करती हूँ, टेटा मेटा जैसे भी होता है, टेटा है कैमरा। हाँ गाइस मेरे को इतना नहीं पता मैं। और ये मेरे साथ 12-13 साल रही है और देखो व्लॉग ही करने नहीं आई। गाइस मेरे को कुछ नहीं पता, तू अब सीख जाएगी। गाइस मैं ट्राई कर रही हूँ सीखने के लिए, मैंने सुबह भी ब्लॉग शूट किया, अब भी कर रही हूँ, कल भी करती रहूँगी, परसों भी करूँगी, महीने बाद भी करूँगी, हाँ। साल बाद भी करूँगी, अब मैं सीख जाऊंगी, साथ मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर बन जाऊंगी। हाँ ठीक है, हाँ, मतलब इन्होंने लूट मचाई हुई है, लूट क्या बोलते हैं कि मतलब हम ना जैसे कि हम देख रहे कि हम क्या ऑर्डर करें है ना, हमारी नज़र गई मोमोज पे, जो मोमोज हमें 60 रुपीज़ के बाहर रेड़ी के खाने को मिलते हैं वो यहाँ पे 300 रुपये की प्लेट है, वो भी सिंपल स्ट्रीम्ड मोमोज। यार दिस इज नॉट फेयर कि नहीं। और गाइस मजाक कर रही हूँ यार, हमने ना एक नूडल्स ऑर्डर किए हैं, एक हमने मोमोज ऑर्डर कर लिए हैं और एक हमने क्या ऑर्डर किया है बता,
मंचूरियन के चीज चिली के कोक वगैरह जो अभी आप देख ले तो पे देख और मेरे को भी देख और बता गाइस आप बता दो क्या ऑर्डर करना है। गाइस आप ना हमारे ब्लॉग को ऑर्डर कर लिया करो सर्च पे जाके यूट्यूब पे, ठीक है? गाइस मेरी बार इतनी वधी है ना कि खुद ही ऑर्डर लेकर आई और मेरे को इसने इतना भी कह रहा है कि व्लॉग स्टार्ट कर ले नहीं तो मैं सारा डाल लेना है। रत्नारन भी व्लॉगर बन रही है ना। गाइस एक ना आपको बताऊँ, हमारे साथ ना एक अंकल बैठे हुए थे, देखो बाहर से आई थी कोई फॉरेन से, वो उनका वैसे जो फॉरेनर्स होते हैं उनका नेचर बहुत अच्छा होता है इसलिए उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर दी। तो वो बोलते कि हमें तो एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए नहीं है कि एक्स्ट्रा आ गए तो ये है सील्ड, तो कहते येलो बच्चों। मैं कहा थैंक यू अंकल, बस इसी चीज़ की तो गाइड वेट थी। मम्मा यहाँ पे मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि गाइस मेरी अम्मा का चाइनीज तो फेवरेट ही है, मतलब चाउमीन और चीज चिली उनकी जान है। हम तो खाए कि नहीं, और हमारे मोमोज भी आ गए यार अंकल, इतने बड़े थोड़ा मोमोज बहुत ज्यादा खाए नहीं जा रहे गाइस, हमसे बहुत ज्यादा मोमोज दे दिए। चलो पहले खा ले, और हमने अपने भाइयों के लिए कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लिया कि हम भी खुद ही पी जाएंगे, लेकिन वैसे तो उसने बर्गर बोला था बट हम कोल्ड ड्रिंक भी लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारे बस बस यही बच्ची है बाकी सब भी हमने खा लिया। गाइस मोमोज का रिव्यू दो तो मोमोज प्लीज। मोमोज उन्होंने 300 के लगाए थे पर तीन मोमोज दिए थे 300, सही कहा, मतलब 100 रुपये का एक मोमोज। ओह माय गॉड, वो भी नहीं टेस्टी गाइस, पता नहीं क्या हरा हरा डाला था उसने। और मेयोनीज की फिलिंग कौन करता है मोमोज में? हम आ गए जी बाहर, ये लो बहुत मजा आया गाइस। अब हम आ गए बाहर, मेरी फोन की स्टोरेज हो गई है एकदम डेड, मतलब स्टोरेज फुल हो गई गाइस। अब मैं फोन रख दिया डिक्की में, अब ये है करण जी का फोन गाइस, इसका आईफोन है, क्वालिटी लो रहना चाहिए, वो होता है कि आईफोन टू आईफोन क्वालिटी जाती है। हाँ, जाती है। चल चले चल, आज का दिन बहुत 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 अच्छा गया, बहुत अच्छा, बेस्ट। जब हम व्लॉग बनाते हैं ना तो साफ भी कर लेते हैं कैमरा। कैमरा साफ नहीं किया था? नहीं किया था। और गाइस अब मैं आ गई घर, और आज का डे मतलब गाइस बहुत अच्छा रहा यार, कई बार हमने फ्रेंड्स का टाइम स्पेंड करने से गाइस बहुत अच्छा लगता है। और ना हम ना आज हमने इसलिए ऐसे बनाया कि हमारे ना बहुत स्टार्ट होने वाले है ना, तो हमने कहा चलो हमें टाइम तो मिलना नहीं है तो फिर हम इसे फेयरवेल बोर्ड्स के गाइस बाद है, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड कर ले, तो मैं कहा चलो हम हो आते हैं। वैसे भी ना हमने कितने देर से प्लान आउट कर रहे थे, बट आज गाइस फाइनली प्लान सक्सेसफुल हो गया और अब हम गाइस घर आ गए। मतलब आते ही ना फीवर तो नहीं है, ठंड थी गाइस बाहर, वो मेरे सर ने मेरा अपना वो फिटनेस का वो रूप दिखा दिया। आज सर ने मेरे सांस निकाल दिया दीदी, इतनी फिटनेस कराई कि मेरे पैर दर्द हो गए। मेरी वो वीडियो शूट की सर ने, मैं वो सर को बोल दूंगा सेंड कर दो। वो की सर ने सेंड तेरे? दिखा गाइस, कान पूरे पूरे रेड हो गए, जे फिटनेस करके आया और आते ही खा रहा है दलिया खा रहा, कोई वो चिप्स नहीं खा रहा। और गाइस अब हम सुन रहे हैं प्यारे को, तो गाइस कपड़े कर लिए चेंज और मम्मा ने गाइस मुझे हर एक चीज पूछी, क्या खाया, कितना मजा आया, क्या क्या किया गाइस, इनको मैंने सारी फोटोज दिखा दी है। और मम्मा मैं चाइनीज का आया, बहुत अच्छा काम किया, मुंह क्यों कवर किया लोगों को देख कर, नींद आ रही है। अम्मा मैंने फोटोज दिखाई ना आपको, अच्छी आई है ना, हमने एंजॉय किया, आप बताओ किया ही होना है, फ्रेंड्स के साथ जाके कौन एंजॉय नहीं करता। अम्मा हाँ हम करते एंजॉय ओके तो गाइस मतलब मैंने मम्मा को सारा व्लॉग व्लॉग सारा दिखाया, अम्मा थे ओ वाओ, मतलब काश मैं भी आप गई होती मैंने नहीं बोला तो गाइस दो बातें अपनी और से। तो गाइस मम्मा को अपना टाइम याद आ गया होना, जब मैं भी जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ मजे करती थी, तो अब भी जाती हूँ
बताओ कोई एक सभी टाइम अच्छे होते बस बनाने पड़ते हैं अच्छे पापा के साथ मजबूरी में अच्छे बनाने पड़ते हैं क्योंकि पता है अब रह गए तो क्या करें पापा के साथ मेरा सारा टाइम अच्छा ही है नहीं नहीं टाइम बेस्ट कौन सा था अनमैरिड के मैरिड मैरिड भी अच्छा है अनमैरिड भी अच्छा था सबसे बेस्ट मैरिड सबसे बेस्ट अनमैरिड ये कह चाहोगे वो तो उसमें अपना होता है ये इसमें अपना होता यार वो अपना क्यों अच्छा होता है काम कुम नहीं करना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे नहीं होती है ना जैसे वेले जो लोग होते हैं ना उनको उनको अनमैरिड ज्यादा अच्छा लगता है जैसे निखार वेली बिल्कुल पसंद है बैठ के ऊपर हर चीज चाहिए ऐसे लोगों को अनमैरिड लाइफ ज्यादा पसंद आती है तो ओके गाइस हम इसे तो कर देते हैं यहाँ पे तो जहाँ पर इसकी वो अच्छाइयां मैं स्टार्ट करूँ ना साथ में ब्लॉग का एंड होना होता है तो गाइस अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद है प्लीज हमारे ब्लॉग को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो और बहुत सारा प्यार दिखाओ अपना कमेंट बॉक्स में हम हर किसी को कमेंट्स पढ़ते हैं प्लस रिप्लाई भी करते हैं और बाय गाइस मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ जल्दी ही सुपर सुन और आजकल हमारे ब्लॉग्स रेगुलर आ रहे हैं टचवुड और बहुत सारा प्यार दे ब्लॉग्स को बाय बाय राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरि वंश बोल कहते बाबा।